हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आज कुछ अच्छा सीखते में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों बहुत सारे मित्रों ने मुझसे सवाल पूछा कि सर फ्रिक्शन स्लैब के बारे में हमने कुछ बताइए, तो मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको फ्रिक्शन स्लैब के बारे में जानकारी दूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हाईवेज में जहाँ आरीवाल बनती है उसके ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो क्या उसके फ़ायदे है, कैसे वो होता है, क्या क्या उसमें डिटेल्स है, चलिए हम लोग थोड़ा ब्रीफली इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप जो सामने डायग्राम देख रहे हैं दोस्तों, इस डायग्राम में ऊपर में जो पोर्शन में आप दिख रहे क्रैश बैरियर जहाँ पे लिखा हुआ है वो क्रैश बैरियर है जिसके साथ वो अटैच है। नीचे वाला पोर्शन जहाँ FS लिखा है वो है फ्रिक्शन स्लैब। तो इसको टोटल पोर्शन को हम लोग फ्रिक्शन स्लैब विद क्रैश बैरियर बोलते हैं। और नॉर्मली फ्रिक्शन स्लैब मिनिमम 1.7 मीटर होता है। आप नीचे में रेड कलर में देख सकते वहाँ पे आरी पैनल है, तो इस आरीवाल पैनल के आप देख ले वहाँ पे जियोग्रिड की लेयर्स है, वो जो आपको मार्किंग किया हुआ है वहाँ शो हुआ है आप देख सकते हैं। और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको कैसे फिक्स किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे ग्रू में आरीवाल के ऊपर फिक्स किया जाता है, पैनल के ऊपर कोपिंग के बाद इसको फिक्स किया जाता है। उसके फिक्शन स्लैब से पहले हम इसके लिए PCC या DLC लेइंग करते हैं उसकी लेवल बनाने के लिए, और उसको बेड प्रॉपर बनने के बाद इसको इरेक्शन करते हैं। इसको हम लोग कास्टिंग सीटू या फिर प्रिकास्ट भी बना सकते हैं। कास्टिंग सीटू में हम लोग यहाँ पे PCC करके स्टील डालते हैं और तो दोस्तों कॉपिंग होने के बाद उसके ऊपर नियोप्रिन पैड लगाया जाता है। नियोप्रिन पैड एक स्पॉन्जी मटेरियल है, उसको एक सलिया के सहारे उसको पैक करके रखते हैं कोपिंग के साथ। और उसके बाद फिर जो स्टील रहेगा क्रैश बैरियर का या फ्रिक्शन स्लैब का उसके अंदर चला जाता है पीछे साइड में शटर लगाया जाता है बॉटम में। जो आप पीछे वाला पोर्शन देख रहे हैं वो वहाँ पे शटर लगाने के बाद पूरा शटरिंग लगा के कास्टिंग सेटू भी किया जाता है, और प्रिकास्ट में तो पूरा बन के आता है। और नियोप्रिन पैड हमको उसके पहले लगाना है। तो नियोप्रिन पैड का जो थिकनेस है वो 40 से 50 mm तक होता है, और वहाँ पे आपको शो किया है क्रैश बैरियर की जो विड्थ है वो 500 mm है। टॉप में आप देखेंगे तो नॉर्मली 190 mm होता है, और पीछे में आपको देखे होंगे कि आप एक पोर्शन से स्लोप आधे पोर्शन से फ्रिक्शन स्लैब का स्लोप थोड़ा स्लोप पोर्शन में रहता है कि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन रहे, वो 50 mm का नॉर्मली होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप उसमें हॉन्च भी देख सकते हैं। और उसका जो थिकनेस होती है फ्रिक्शन स्लैब की वो 250 mm होती है, वहाँ पे पूरी आप देख सकते हैं। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंपैक्ट 800 mm अबोव टॉप ऑफ पेवमेंट, और वहाँ पे टॉप ऑफ पेवमेंट का आपको लेवल दिखाया हुआ है। इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं आप वहाँ पे देख सकते हैं। फ्रिक्शन स्लैब का जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो है हेल्प टू ट्रांसफर द इम्पैक्ट लोड्स फोर्सेस ड्यू टू द क्रैश इक्वली टू द टॉप टू रोज ऑफ सॉइल रिइंफोर्समेंट जियोग्रिड रजिस्टर्ड ओवर दी फुल लेंथ सेफली। जो लोड ट्रांसफ़र करना है सेफली वो फ्रिक्शन स्लैब से टॉप की टू जियोग्रिड में वो ट्रांसफ़र करता है इजीली। चलिए और इसके यूजेस और जो कुछ इसके पॉइंट्स है उसको और देखते हैं। फ्रिक्शन स्लैब used to transfer the lateral loads due to impact of vehicle on the barriers. Typically, friction slab 2.5 meter तक width में होते हैं और उसकी thickness 250 mm होती है। और friction slab के ऊपर normally जो crash barrier होता है वो anchored होता है, and design is checked against sliding and overturning. तो ये फ्रिक्शन स्लैब के इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। साइड में जब लोग हम लोग इरेक्शन करते हैं क्रेन या हाइड्रा से उसका इरेक्शन होता है, नॉर्मली 2 मीटर से 2.25 मीटर या मैक्सिमम 3 मीटर तक इसकी लेंथ होती है, और हाइट में ये 1500 या 1200 mm होता है। तो ये सारी इसकी डिटेल्स है, ये हर जगह पर अलग अलग हो सकता है लेकिन टिपिकली यह ऐसा ही होता है। तो इसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो साइट पे कैसे काम करते हैं हम लोग, और उसको मैं पोस्ट करूंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बनाता रहूं।
थैंक यू वेरी मच। और सब्सक्राइब करना ना भूले, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए, ताकि जो हमारी वीडियो है वो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन पहुंचाते रहे। थैंक यू वेरी मच।